तो 2024 की तैयारी है और शक्ति प्रदर्शन में कौन भारी है, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन पहले अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। हमारे साथ बेंगलुरु से आशीष कुमार सिंह जुड़ रहे हैं और दिल्ली जहां एनडीए की बैठक हो रही होना तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस इंतजार किया जा रहा है, वो पहुंचने वाले हैं, वहां से आप देख रहे हैं नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आशीष के पास आपको लेकर चलते हैं। आशीष, नाम इंडिया, काम मोदी को हटाना, जगह अगली मीटिंग की महाराष्ट्र मुंबई तय, यही इस बार मोहर लगी है। आशीष, मेरी आवाज नहीं मिल रही आशीष को, मैं इतना समझ पा रही हूं, मैं आशीष का रुख करूंगी, जरा आवाज ठीक करवाइए, तब तक जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किसी भी पल पहुंच सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार चल रहा है रोमाना, वो किसी भी पल पहुंचने वाले हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा रूट लग चुका है, चार बड़े नेता जो एनडीए घटक दल हैं, जीतन राम मांझी, पनीर सेल्वम और इसके अलावा दूसरे जो नेता हैं एकनाथ शिंदे, ये लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। स्वागत करेंगे, सीधे हॉल में ले जाएंगे, जो अंदर कलिंगा हॉल है अशोका होटल का, वहाँ ये मीटिंग अरेंज की गई है। इस मीटिंग में एक प्रस्ताव भी रखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले जैसे ही मीटिंग शुरू होगी अमित शाह स्वागत भाषण अपना देंगे, सबका स्वागत कराएंगे, सभी नेताओं का परिचय कराएंगे और एक जो इस एनडीए की बैठक का क्या एजेंडा है, क्यों ये बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के माध्यम से आने वाले सालों में जो चुनाव होने हैं उन चुनावों में एनडीए का स्वरूप क्या होगा, इन सब विषयों पर एक विस्तृत जानकारी देंगे सभी सदस्यों को। और उसके बाद जी एक प्रस्ताव आएगा, जो कॉमन एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि कैसे एनडीए वर्क करेगा। एक कमेटी भी गठित होगी जिसमें कुछ एनडीए के जो घटक दल हैं उनके सदस्यों को रखा जाएगा और सबसे अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा जो एनडीए के आने वाले दिनों के भविष्य को तय करेगा। बिल्कुल, इस एकता को लेकर एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा जाएगा, इस पर सबकी नजर लगी रहेगी। और ये जो एकजुटता दिखाने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है इस अलग यूनिक अंदाज में, मुझे लगता है वो तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखा देनी चाहिए, जहां एनडीए के अलग अलग दलों के नेता इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए। इसमें बीजेपी अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, हम के शिवसेना के शिंदे गुट के खुद एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, एआईएडीएमके के नेता नजर आ रहे हैं। तो एनडीए के घटक दलों के ये नेता जो इंतजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अब आशीष का रुख करते हैं। आशीष, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो मैं सवाल आपसे ये पूछ रही थी कि नाम इंडिया, काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना और जगह आगे के लिए मुंबई, इसी पर मोहर लग गई है आज। जी हाँ बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था ये देखना कि आखिर इस अलायंस का नाम क्या रखा जाता है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम साझा कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहा जाता है। बड़ी बात है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया नाम रखा गया है इस अलायंस का। और जैसे ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने कहा कि इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट मोदी। मेरे साथ जैनेन्द्र, जैनेन्द्र आपको क्या लगता है कि ये जो नाम चूज़ किया गया है क्यों किया गया है और आपको लगता है इससे मोदी को एनडीए को चुनौती दे सकेंगे लोग? देखिए, जाहिर सी बात है नाम बहुत अट्रैक्टिव है और प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी की जो सबसे मजबूती है वो है उनका राष्ट्रवादी पिच पर प्रमुखता से बोलना। अब जब नाम ही इंडिया रख दिया गया है, देश का नाम है वो, उसका फुल फॉर्म भले ही जो भी हो लेकिन नाम तो इंडिया है, तो ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी और एनडीए कैसे इस इंडिया को कैसे घेरते हैं। और निश्चित तौर पर एक पटना में जिस तरीके से एक सैद्धांतिक सहमति बनी थी 15 दलों में, अब 26 दल साथ आए हैं। नाम 15 से दलों की संख्या विपक्ष के बढ़कर 26 पहुंच चुकी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।